हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम थायराइड ग्लैंड को कवर करेंगे, ठीक है, कि थायराइड ग्लैंड होती क्या है, थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स कौन कौन से हैं, इन हार्मोन्स के फंक्शंस क्या होते हैं हमारी बॉडी में, और अगर ये थायराइड हार्मोन्स हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा अप या फिर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाए तो उससे हमारी बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, ये हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, थायराइड ग्लैंड जो होती है ये एक बटरफ्लाई शेप्ड ऑर्गन होती है, ओके और ये थायराइड ग्लैंड हमारे नेक के जस्ट फ्रंट पे और लैरिंग्स के जस्ट बिलो ये लोकेटेड रहती है। और आप इमेज में देख सकते हैं थायराइड ग्लैंड के दो लोब्स होते हैं, लेफ्ट लोब और राइट लोब। दोनों लोब्स आपस में जिस टिश्यू से कनेक्टेड होते हैं उसको हम बोलते हैं इस्थमस। इस्थमस एक टाइप का टिश्यू है जो दोनों लोब्स को आपस में कनेक्ट करता है। थायराइड ग्लैंड मेनली तीन हार्मोन्स को रिलीज़ करता है, T3, T4 और कैल्सिटोनिन, ओके। अगर हम थायराइड ग्लैंड के फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी की बात करें तो आप देख सकते हैं ये है थायराइड ग्लैंड। इसके दो लोब्स हैं, लेफ्ट लोब और राइट लोब्स। इन लोब्स के अंदर छोटे छोटे सेल्स के गुच्छे होते हैं जिनको थायराइड फॉलिकल्स बोलते हैं, ठीक है। इन्हीं थायराइड फॉलिकल्स के अंदर T3 T4 हार्मोन्स बनते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इन थायराइड फॉलिकल्स के बाहर कुछ स्पेशल टाइप के छोटे छोटे सेल्स प्रेजेंट हैं जिनको सी सेल्स या फिर पैरा फॉलिकुलर सेल्स भी बोलते हैं। ये जो सेल्स होते हैं ये कैल्सिटोनिन नामक हार्मोन रिलीज़ करते हैं। क्या फंक्शन होता है इसका हमारी बॉडी में, ये कैल्सिटोनिन जो होता है ये कैल्शियम के लेवल को कंट्रोल करता है। तो आज के लेक्चर में हम T3 T4 को कवर करेंगे। तो आप देखिए, अगर हम एक थायराइड फॉलिकल को जूम करके देखें कि इसका स्ट्रक्चर किस तरीके का दिखता है, तो आप देख सकते हैं थायराइड फॉलिकल आर लाइन बाय क्यूबॉइडल एपिथीलियम, ठीक है। और इस क्यूबॉइडल एपिथीलियम के अंदर आप जो स्पेस देख रहे हैं ल्यूमन में, ये पूरा थायरोग्लोबुलिन से फिल रहता है जिसको हम ग्लाइकोप्रोटीन भी बोलते हैं। ये जो क्यूबॉइडल एपिथीलियम होता है ये थायरोग्लोबुलिन को सिक्रीट करता है जिसको हम ग्लाइकोप्रोटीन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये जो क्यूबॉइडल एपिथीलियम होता है इसका एक और फंक्शन होता है, ये ब्लड स्ट्रीम से आयोडीन को ट्रैप करके यहाँ अंदर ल्यूमन में भेजता है। अब ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है, नाम से ही पता लग रहा है प्रोटीन है, यानी कि अमाइनो एसिड का बना होगा। तो इस ल्यूमन में मोस्ट अबंडेंट अमाउंट में जो अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं वो कौन से होते हैं, टायरोसिन होते हैं, ठीक है। यानी कि इस थायरोग्लोबुलिन में टायरोसिन रेजिड्यूज़ होते हैं और ये टायरोसिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है T3 T4 के बनने में। तो ये था थायराइड फॉलिकल का स्ट्रक्चर। तो थायराइड ग्लैंड में थायराइड हार्मोन्स यानी कि T3 T4 हार्मोन्स कैसे बनते हैं, देखिए थायराइड ग्लैंड में थायराइड हार्मोन्स बनाने के लिए मेनली दो चीज़ों की सबसे ज़्यादा नीड होती है। फर्स्ट वन इज़ टायरोसिन एंड सेकेंड इज़ आयोडीन। टायरोसिन मैंने अभी आपको बताया कि थायराइड फॉलिकल के अंदर आप जो ल्यूमन देख रहे थे, ल्यूमन में थायरोग्लोबुलिन फिल रहता है और उसी थायरोग्लोबुलिन में टायरोसिन रेजिड्यूज़ होते हैं। सेकेंड इज़ आयोडीन। देखिए, आयोडीन भी बहुत ज़रूरी होता है थायराइड हार्मोन्स के बनने में। अगर आपकी बॉडी में आयोडीन की कमी है तो इससे आपकी बॉडी में थायराइड हार्मोन्स की भी डेफिशिएंसी आ जाएगी। देखिए, कुछ आयोडीन रिच फूड होते हैं जिनको कंज्यूम करने से हमारी बॉडी में आयोडीन की डेफिशिएंसी नहीं होती है, जैसे कि टेबल सॉल्ट, एग्स, सी फूड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और डेयरी प्रोडक्ट जैसे कि मिल्क, योगर्ट एंड चीज़। तो टायरोसिन और आयोडीन दोनों ही बहुत ज़रूरी होते हैं थायराइड हार्मोन्स के बनने के लिए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि एक थायराइड फॉलिकल में कैसे T3 T4 हार्मोन बनता है, ओके। तो ये है थायराइड फॉलिकल, ठीक है, जिसके आउटर जो लाइनिंग है वो क्यूबॉइडल एपिथीलियम की बनी हुई है और अंदर थायरोग्लोबुलिन में काफ़ी सारे टायरोसिन रेजिड्यूज़ हैं। तो हमने जो भी आयोडीन रिच फूड इनटेक किया था वो आयोडीन हमारे बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन में क्या है, सर्कुलेट हो रहा है। तो हमारे थायराइड ग्लैंड में जो थायराइड फॉलिकल्स हैं उनके आसपास जितनी भी कैपिलरीज हैं उसमें भी आयोडीन सर्कुलेट हो रहा है। तो ये जो क्यूबॉइडल एपिथीलियम है, मैंने अभी आपको बताया था इनका क्या फंक्शन होता है, ये ब्लड सर्कुलेशन से आयोडीन को ट्रैप करके ल्यूमन में छोड़ देती है। तो ब्लड सर्कुलेशन से आयोडीन को ल्यूमन तक ले जाने का काम किसका होता है, क्यूबॉइडल एपिथीलियम का होता है। तो अब क्या होगा यहाँ पर, अगर एक आयोडीन का मॉलिक्यूल टायरोसिन से बाइंड करेगा तो ऐसे में मोनोआयडो टायरोसिन बनता है जिसको MIT भी बोलते हैं, और अगर दो आयोडीन के मॉलिक्यूल्स एक टायरोसिन से बाइंड करेंगे तो डाई आयडो टायरोसिन बनता है जिसको हम DIT भी बोलते हैं। तो अब ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि T3 T4 हार्मोन यहाँ पे कैसे बनता है।
एक MIT और एक DIT आपस में जुड़कर ट्राईआइडोथायरोनिन यानी कि T3 बनाते हैं। सिमिलरली दो DIT आपस में जुड़कर टेट्राआइडोथायरोनिन बनाते हैं, जिसे हम T4 भी बोलते हैं या फिर थायरोक्सिन भी कहा जाता है इसको। तो ये जो ग्लाइकोप्रोटीन में टायरोसिन रेजिड्यूज थे, इनका क्या हुआ, आयोडिनेशन होना शुरू हुआ, ठीक है, जिससे DIT और MIT बना, और ये DIT MIT आपस में जुड़कर इन्होंने T3 T4 बनाया। इसके बाद इन थायरॉयड हॉर्मोन्स को यानी कि T3 T4 को कट करके ब्लड सर्कुलेशन में भेज दिया जाता है, ताकि ये वहाँ पर हमारे बॉडी के काफ़ी सारे नेसेसरी फंक्शंस को कंट्रोल और रेगुलेट कर सकें। सबसे पहला फंक्शन T3 T4 हमारे BMR यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करता है, ठीक है। ये बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है, अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं, जो हमारी बॉडी में बेसिक लाइफ सस्टेनिंग फंक्शंस होते हैं, यानी कि जो जीवन निर्वाह करने के लिए ज़रूरी फंक्शंस होते हैं, जैसे कि डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, सेल प्रोडक्शन, ग्रोथ, ब्रीदिंग, इन सभी बेसिक फंक्शन के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है उसे बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो हमारी बॉडी में इन बेसिक फंक्शन के लिए एनर्जी आती कहाँ से है, देखिए हमारी बॉडी की जो सेल्स होते हैं वो ऑक्सीजन और ग्लूकोज की हेल्प से सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं, जिससे एनर्जी बनती है, और फिर ये एनर्जी जो होती है वो ATP के फॉर्म में स्टोर हो जाती है, ताकि जब भी कभी एनर्जी की ज़रूरत हो तो इन ATP को तोड़कर एनर्जी को यूज़ कर सके, ठीक है। अब जैसे कि एक सिंगल सेल है, इसको एनर्जी कैसे मिलेगी, ठीक है, ऑब्वियसली बात है कि ये सेलुलर रेस्पिरेशन करेगा जिससे इसको एनर्जी मिलेगी, बट कैसे, हमने जो भी फूड इनटेक किया वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, अभी जो ग्लूकोज है ये सेल के अंदर एंटर करेगा और पाइरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ये पाइरुवेट जो है ये सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, और सेम टाइम पे यहाँ पे ऑक्सीजन आके पाइरुवेट को ब्रेक डाउन करके CO2 और H2O में कन्वर्ट कर देगी, जिससे काफ़ी सारी एनर्जी रिलीज होगी, और फिर इस एनर्जी को ATP के फॉर्म में स्टोर कर दिया जाएगा, ताकि बॉडी के सेल्स को कभी एनर्जी की ज़रूरत पड़े तो इस ATP को तोड़कर एनर्जी यूज़ कर ली जाती है। तो अब यहाँ पे सेल्स को एनर्जी मिले उसके लिए ATP को तोड़ना पड़ेगा, तभी सेल्स को एनर्जी मिलेगी। तो ATP को तोड़ने के लिए थायरॉयड हॉर्मोन्स यानी कि T3 T4 की ज़रूरत पड़ती है। तो जब भी बॉडी के सेल्स को एनर्जी की नीड होगी, तब थायरॉयड ग्लैंड से T3 T4 हार्मोन रिलीज होंगे और सेल्स में जाकर ATP की कंजम्पशन को बढ़ा देंगे, जिससे ATP टूटने लगेंगी और एनर्जी रिलीज होगी, और फिर उस एनर्जी से हमारी बॉडी के जितने भी बेसिक लाइफ सस्टेनिंग फंक्शंस हैं वो पूरे होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से नॉर्मली प्रोसेस चलता है, इसे बोलते हैं हम BMR। जिस रेट पर बॉडी में ऑक्सीजन का कंजम्पशन होता है उसे हम बोलते हैं BMR। इसकी काफ़ी सारी डेफिनेशंस हैं, ठीक है। तो ये बॉडी में नॉर्मली होता है, देख रहे हैं आप कि हमारी बॉडी के सेल्स को एनर्जी के लिए मेन किसकी ज़रूरत होती है, T3 T4 की। एनर्जी बन भी गई, स्टोर भी हो गई, लेकिन बिना T3 T4 के हमारी बॉडी के सेल्स एनर्जी को यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो T3 T4 हमारे बॉडी के बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करता है, ठीक है, ये नॉर्मली होता है। बट अब इन केस अगर किसी को हाइपरथायरॉयडिज्म है, यानी कि उसका थायरॉयड ग्लैंड नॉर्मल से ज़्यादा T3 T4 का प्रोडक्शन कर रहा है, तो इस केस में क्या होगा, ऐसे में ज़्यादा T3 T4 होने की वजह से ज़्यादा ATP का कंजम्पशन बढ़ेगा, ठीक है, और क्या होगा, फिर ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, फिर एक टाइम आएगा कि जितने भी ATPs हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर सेल क्या करेगा, सेल जो है फिर से सेलुलर रेस्पिरेशन करेगा, ग्लूकोज लेगा, ऑक्सीजन लेगा, एनर्जी बनाएगा, फिर से ATP के फॉर्म में स्टोर होगा, ठीक है, क्योंकि लेकिन T3 T4 हार्मोन ज़्यादा हैं तो फिर से वो ATP यूज़ हो जाएंगे, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे में होगा क्या, ऑक्सीजन का कंजम्पशन बढ़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन का कंजम्पशन बढ़ेगा तो BMR भी बढ़ेगा, ठीक है। अब एक टाइम ऐसा आएगा कि ग्लूकोज जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम कितना खाना खाएंगे, ग्लूकोज जो है वो ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन सेल्स को एनर्जी बनानी है, क्योंकि T3 T4 ने ऑर्डर्स दिए हैं कि आपको एनर्जी बनानी है, क्योंकि ज़्यादा T3 T4 रिलीज़ हो रहे हैं तो वो ज़्यादा ऑर्डर दे रहे हैं कि आप एनर्जी बनाओ, तो उसके लिए ग्लूकोज तो है ही नहीं। तो हमारी बॉडी क्या करती है कि जो भी स्टोर्ड फैट हैं, कोलेस्ट्रॉल हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, उनको वो तोड़कर ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है।
तो T3 T4 यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लिपिड्स को भी तोड़ देते हैं, प्रोटीन्स को भी तोड़ रहे हैं, तो इसलिए T3 T4 को कैटाबॉलिक हार्मोन भी बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये लिपोलाइसिस भी कर रहे हैं और प्रोटीओलाइसिस भी कर रहे हैं। ओके, अब जिन्हें हाइपरथायरॉयडिज्म होता है ऐसे लोगों को आप देखेंगे कि वो हमेशा पतले ही रहते हैं, कितना भी वो खाना खा लें वो हमेशा पतले ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि हाइपरथायरॉयडिज्म में T3 T4 का प्रोडक्शन क्या है, ज़्यादा हो जाता है, जिससे एनर्जी भी ज़्यादा रिलीज होगी, एनर्जी बनाने के लिए फिर ग्लूकोज भी चाहिए होगा, तो वो इंसान जो भी खाना खाएगा वो फटाफट से ग्लूकोज में कन्वर्ट होके एनर्जी बनाने में यूज़ कर लिया जाएगा, ठीक है, तो ऐसे में ग्लूकोज स्टोर ही नहीं होगा, और अगर फूड के थ्रू ग्लूकोज की कमी पड़ भी जाती है तो उसकी बॉडी में जो स्टोर फैट है, प्रोटीन है, वो फिर ब्रेक डाउन होंगे, ग्लूकोज में कन्वर्ट होंगे और एनर्जी बनाने के लिए यूज़ कर लिए जाएंगे। और आप हाइपरथायरॉयडिज्म के पेशेंट्स में देखेंगे कि इन लोगों को भूख बहुत ज़्यादा लगती है। क्यों? क्योंकि एनर्जी बनाने के लिए ग्लूकोज चाहिए, तो बॉडी कहता है कि खाते रहो और हमें ग्लूकोज देते रहो, ठीक है, तो ये ऐसे लोग अभी खा लेंगे, एक घंटे बाद इन्हें फिर भूख लग जाएगी। तो ऐसे लोग कितना भी खा ले वो हमेशा पतले ही रहते हैं, उनका वेट हमेशा कम ही रहता है, ठीक है। और ऐसे लोगों में आप देखेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म के पेशेंट्स में कि उनमें एनर्जी बहुत ज़्यादा रहती है, हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं। क्यों? क्योंकि एनर्जी तो रिलीज़ हो ही रही है ढेर सारी, ठीक है। और ऐसे जो लोग होते हैं आप देखेंगे कि वो हीट सेंसिटिव होते हैं, हीट इनटॉलरेंस होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनकी जो बॉडी के अंदर है वो हीट प्रोड्यूस हो रही है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, तो ऐसे लोग हीट को बाहर से और अगर हीट मिल रही है तो उसको टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप उनके हाथ पैर जब देखेंगे हमेशा वो स्वेटी रहेंगे, हमेशा गीले रहते हैं उनके हाथ पैर, और हार्ट बीट भी हमेशा फास्ट रहती है, और हाइपरथायरॉयडिज्म में जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है वो भी बढ़ जाता है। दूसरी तरफ अगर थायरॉयड ग्लैंड से सफिशेंट अमाउंट में T3 T4 हार्मोन नहीं प्रोड्यूस हो पा रहे हैं तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, अगर T3 T4 हार्मोन कम प्रोड्यूस हो रहे हैं तो कम एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि जो ATP को तोड़ते थे वही उनका प्रोडक्शन ही कम हो रहा है, तो ATP भी कम टूटेंगे तो एनर्जी भी कम रिलीज होगी, तो ऐसे में क्या होगा, जितने भी ATP हैं वो स्टोर रहेंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे एनर्जी बनाने की ज़रूरत नहीं है तो ऑक्सीजन का कंजम्पशन जो होगा वो भी कम हो जाएगा, ग्लूकोज की भी नीड नहीं है क्योंकि एनर्जी ऑलरेडी स्टोर है, तो ग्लूकोज की भी इतनी नीड नहीं होगी, ठीक है। तो जिन पेशेंट्स को हाइपोथायरॉयडिज्म होता है उनका BMR लो हो जाता है, ऑक्सीजन का कंजम्पशन लो हो गया, यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ग्लूकोज भी क्या है, उसे की ज़रूरत नहीं पड़ रही ग्लूकोज की, तो वो भी स्टोर रहेगा, ग्लूकोज जो है वो स्टोर हो जाएगा, तो ऐसा इंसान कितना भी कम खाए वो हमेशा मोटा ही रहता है। क्यों? क्योंकि उस जो भी वो खाना खा रहा है वो स्टोर हो जा रहा है, क्योंकि वो एनर्जी बनाने में क्यों यूज़ नहीं हो रहा, क्योंकि नीड ही नहीं है एनर्जी की, क्योंकि एनर्जी ऑलरेडी स्टोर है ATP के फॉर्म में, वो ATP जब टूटेगा तभी एनर्जी रिलीज होगी, लेकिन ATP को तोड़ने के लिए जो T3 T4 थे, जो इंस्ट्रक्शंस देते थे सेल को कि ATP को तोड़ो, वो T3 T4 ही कम अमाउंट में रिलीज़ हो रहे हैं, तो कम ATP टूटेंगे और कम एनर्जी रिलीज़ होगी, तो क्या होगा, एनर्जी बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, तो ये ग्लूकोज का क्या काम है, ये स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा इंसान हमेशा मोटा रहेगा, वो कितना भी कम खा ले वो मोटा ही रहेगा, ठीक है। और ऐसे लोगों में एनर्जी की बहुत कमी होती है, तो ऐसे इंसान ना बहुत आलसी रहेंगे, क्यों? क्योंकि बॉडी में एनर्जी ही नहीं है, ठीक है। उनके हाथ पैर हमेशा ठंडे पड़े रहेंगे क्योंकि एनर्जी की कमी है, हीट की कमी है। उनका BMR जो है वो हमेशा लो रहेगा, इसी के साथ साथ उनको हमेशा थकान रहेगी, उनका जो हार्ट रेट है वो बहुत स्लो होगा, और वेट हमेशा गेन रहता है। तो आप देख सकते हैं कि T3 T4 हार्मोन कितना ज़रूरी होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करने के लिए, और बिना T3 T4 के हमारे बॉडी के सेल्स को एनर्जी नहीं मिल सकती है। सेकंड फंक्शन क्या है इसका, देखिए T3 T4 बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करने के साथ साथ लिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्ब्स का भी मेटाबॉलिज्म करता है,
ठीक है। इसके साथ साथ T3 T4 हार्मोन जो होता है ये हमारी फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर T3 T4 हार्मोन की कमी हो जाए हमारा जो IQ लेवल है वो बहुत कम रह जाता है, हमारी जो फिजिकल ग्रोथ है ठीक है जैसे कि स्केलेटल ग्रोथ वो ठीक से नहीं हो पाती है, हमारी हाइट छोटी रह जाती है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। इसके अलावा T3 T4 रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट और सेक्सुअल ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। अगर T3 T4 हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाए तो मेल और फीमेल दोनों में ही इनफर्टिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस में प्रॉब्लम आएंगी, फीमेल्स में क्या होगा इरेगुलर पीरियड्स होंगे, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स आएंगी और मिसकैरेजेस बढ़ जाते हैं। तो ओवरऑल थायराइड हार्मोन हमारी फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ और सेक्सुअल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ओके फ्रेंड्स, तो अभी तक हमने पढ़ा कि थायराइड ग्लैंड में थायराइड हार्मोन कैसे बनता है और इस हार्मोन के फंक्शन क्या क्या होते हैं। अब हम जानेंगे कि थायराइड ग्लैंड के क्या क्या डिजीज़ होते हैं, कौन से डिजीज़ हैं जिसमें थायराइड हार्मोन्स नॉर्मल से बहुत कम या नॉर्मल से बहुत ज़्यादा उनका प्रोडक्शन होने लगता है। ठीक है, तो अगर हम थायराइड ग्लैंड के डिजीज़ की बात करें तो दो तरीके की डिजीज़ हैं, एक है हाइपोथायरायडिज्म और एक है हाइपरथायरायडिज्म। सबसे पहले हम हाइपोथायरायडिज्म को कवर करेंगे। हाइपोथायरायडिज्म क्या होता है, देखिए यह एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारी थायराइड ग्लैंड सफिशिएंट अमाउंट में T3 T4 का प्रोडक्शन नहीं कर पाती है। हाइपोथायरायडिज्म के मेनली दो रीजंस होते हैं। सबसे पहला है एंडेमिक गोइटर। एंडेमिक गोइटर क्या होता है, आप इमेज में देख सकते हैं कि गले के जस्ट सामने स्वेलिंग सी हो गई है। क्यों हो गई है स्वेलिंग, क्योंकि अगर आप अपनी डाइट में सफिशिएंट अमाउंट में आयोडीन नहीं लेंगे तो इससे T3 T4 हार्मोन नहीं बन पाएगा और जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड जो होती है उनका इनलार्जमेंट हो जाता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि आयोडीन कितना ज़रूरी होता है T3 T4 हार्मोन के बनने के लिए, तो अगर आप आयोडीन नहीं लेंगे अपनी डाइट में तो क्या होगा T3 T4 हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिसमें थायराइड ग्लैंड क्या करेगा अपना जो साइज़ है वो बड़ा कर लेगा और वो हमें कुछ इस तरीके से दिखेगा। लेकिन ये चीज़ ठीक भी हो जाती है, अगर आप अपनी डाइट में फिर से आयोडीन लेने लग जाएं सही मात्रा में तो ये गोइटर ठीक हो जाता है। ठीक है, फिर से आप नॉर्मल हो जाएंगे पहले जैसे। सेकंड जो मेन कॉज है हाइपोथायरायडिज्म का वो है क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म क्या होता है, देखिए चिल्ड्रंस में अगर हाइपोथायरायडिज्म है तो उसे हम बोलते हैं क्रिटिनिज्म। देखिए बाय बर्थ हाइपोथायरायडिज्म का क्या रीज़न है, अगर बच्चे में बाय बर्थ थायराइड ग्लैंड है ही नहीं, एब्सेंस है, तो T3 T4 हार्मोन नहीं बन पाएगा। ठीक है, या फिर अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो मदर है वो अपनी डाइट में आयोडीन का इंटेक नहीं कर रही है सफिशेंट अमाउंट में तो मदर में भी T3 T4 हार्मोन नहीं बन पाएगा, और अगर मदर में नहीं बन पाएगा T3 T4 हार्मोन तो फिर बच्चे को कैसे मिलेगा, फिर बच्चे की भी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, तो जब बच्चा पैदा होगा तो वो मेंटली और फिजिकली रिटार्डेड पैदा होगा, बच्चे को बोलने में दिक्कत आएगी, चलने फिरने में दिक्कत आएगी। तो ये थे हाइपोथायरायडिज्म के दो मेन कॉज, एंडेमिक गोइटर और क्रिटिनिज्म। सेकेंड डिजीज़ है थायराइड ग्लैंड की, वो है हाइपरथायरायडिज्म। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें थायराइड ग्लैंड बहुत ज़्यादा अमाउंट में T3 T4 का प्रोडक्शन करने लगता है। ठीक है, अप्रॉक्स 2 to 3 times मोर। ओके, तो हाइपरथायरायडिज्म के भी दो मेन कॉज हैं, फर्स्ट है ग्रेव्स डिजीज़ जिसको हम एक्सोथैल्मिक गोइटर भी बोलते हैं, एंड सेकंड है थायराइड एडिनोमा। ग्रेव्स डिजीज़ क्या है, ग्रेव्स डिजीज़ एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून डिजीज़ क्या होता है, इसमें हमारी जो खुद की इम्यूनिटी होती है वो हमारे सेल्स के अगेंस्ट ही एंटीबॉडी बना के हमें नुकसान पहुंचाती है। तो ग्रेव्स डिजीज़ में भी सेम ऐसे ही होता है, इसमें क्या है TSI एंटीबॉडी, थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन जो एंटीबॉडी है ये प्रोड्यूस होने लगती है और ये सेम TSH की तरह ही एक्ट करती है। TSH का क्या फंक्शन है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होता है और थायराइड ग्लैंड के अंदर आके बताता है कि कितना T3 T4 का प्रोडक्शन होना है। तो जो TSI एंटीबॉडी है ये सेम TSH की तरह एक्ट करती है, TSI एंटीबॉडी TSH रिसेप्टर के अगेंस्ट वर्क करती है। ठीक है, और थायराइड ग्लैंड में जाकर T3 T4 के प्रोडक्शन को बढ़ा देती है। दोनों ही यहाँ पे सेम वर्क कर रहे हैं, TSH भी T3 T4 के प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है और TSI भी T3 T4 के प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है। लेकिन डिफरेंस क्या है, TSH का जो नॉर्मल स्टिमुलेटिंग इफेक्ट है वो 1 to 2 hours का होता है,
ठीक है। लेकिन TSI का जो नॉर्मल स्टिमुलेटिंग इफेक्ट है वो 12 to 13 आवर्स का होता है, यानी कि 12 से 13 घंटे तक T3 T4 का प्रोडक्शन होता रहेगा, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, TSI एंटीबॉडी के कंटिन्यूसली स्टिमुलेशन की इफ़ेक्ट से T3 T4 का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा, और इस कंडीशन को हम बोलेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म। अच्छा, ग्रेव्स डिजीज़ यानी कि जिसको हम एग्जोफ्थैल्मिक गोइटर भी बोलते हैं, इसमें आप देखेंगे कि आई बॉल्स के पीछे स्वेलिंग आ जाती है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि इस इंसान की जो आँख है वो कितनी बड़ी बड़ी लग रही है, ठीक है। तो ये एक पहचान है एग्जोफ्थैल्मिक गोइटर की, ओके। सेकेंड जो रीज़न है हाइपरथायरॉयडिज्म का वो है थायरॉयड एडिनोमा। अगर थायरॉयड ग्लैंड में ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाता है तो इसकी वजह से भी थायरॉयड हार्मोन का एक्सेसिव प्रोडक्शन होने लगता है, ठीक है। देखिए, हाइपो और हाइपरथायरॉयडिज्म के बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन मैंने आपको आज जो है सिर्फ दो दो रीजंस ही बताए हैं, ठीक है। बाकी सारे जो रीजंस हैं वो मैं आपको किसी और लेक्चर में कवर कर दूंगी, अभी नहीं कर सकती क्योंकि जो वीडियो है वो लेंथी हो जाएगी, बट जो मेन रीज़न थे वो मैंने इस लेक्चर में कवर कर दिए हैं, ओके। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।